और अभी जो आप लोगों के पास बीजेडी की प्रत्याशी है, ये कभी अपने घर की नहीं हो सकी, तो आपकी क्या होगी ये बताइए आप लोग। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप का दरवाजा खुल चुका है। आप सब ने देखा है कि अभी अभी धामनगर का चुनाव आप सब जनता के प्रयास से और मेहनत से हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुके हैं। और निश्चित रूप से ये जो अभी का चुनाव है, यहाँ पे इन लोगों ने बौखला के धन बल और बाहुबल का उपयोग कर रहे हैं। मेरी माताओं से एक गुजारिश है, यहाँ पे बीजेडी 22 साल तक शासन की, हम लोग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों बहुत नजदीक प्रदेश हैं। हम सब ने देखा है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की शासन रहती है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, वहाँ पे आम जनता के लिए, गांव के ग्रामीण जनता के लिए और आम पब्लिक के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और क्या करती है। और यहाँ पे बीजेडी की सरकार 22 साल से शासन करने के बाद भी आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के जीवन स्तर पे कोई सुधार नहीं हुआ। आज अगर हमारी माताओं बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, तो क्या कभी बीजेडी ने आप लोगों की चिंता की? कभी नहीं की थी। आप लोग बताइए, आप लोगों की थी क्या? नहीं की थी। शौचालय के लिए कभी इसने चिंता की का? कभी नहीं की। लेकिन आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारी महिला बहनों के दर्द को समझा, और अगर प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो वो महिलाओं के नाम से प्रधानमंत्री आवास मिला। अगर राशन हमको मिला कोरोना काल में, तो प्रति व्यक्ति 5 किलो आप लोगों के लिए चिंता प्रधानमंत्री जी ने की। आज अगर गैस चूल्हा की बात करें, तो हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे। छोटी बात हो सकती है, मान सकते हैं, लेकिन उस दर्द को अगर किसी ने समझा, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा। और हमारी महिलाओं के लिए इज्जत की बात करें, सम्मान की बात करें, अधिकार की बात करें, तो किसी ने चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिंता की है। आप सब ने देखा है 2014 में आप लोगों ने हमारे माननीय प्रदीप पुरोहित जो अभी प्रत्याशी हैं, इनको आपने चुनाव जिताया। आप सबके साथ ही हमेशा खड़े रहते हैं। और अभी जो आप लोगों के पास बीजेडी की प्रत्याशी है, ये कभी अपने घर की नहीं हो सकी, तो आपकी क्या होगी ये बताइए आप लोग। ये अपने घर की नहीं हो सकी, अपने माँ बाप की नहीं सुनी, आपकी कभी सुनने वाली नहीं है। वो तो चुनाव के लिए आई है, इसके बाद में जाके आपके भुनस्सर पे बैठ जाएगी। आप बताइए, छोटा सा काम पड़ेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र की मुसीबत आई जनपद में, बीडीसी में अगर किसी जरूरत पड़ी, तो क्या आप लोग उस तक पहुंच पाएंगे? क्या वो आपके दरवाजे पे आके खड़े होगी? अगर आपको किसी प्रकार की मुसीबत आएगी तो वो खड़ी होगी? तो इसलिए इस बात को आप लोग चिंता करिए, जो हमारे हमेशा दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। आप खेत में धान काटते रहते हैं और उसके बाद आपके बाजू से कुना पुरोहित जी गुजर जाए। आप जानते हैं कि प्रदीप पुरोहित जी को हम सब कुना दादा के नाम से जानते हैं, जान रहे हैं ना? और अगर उनको सड़क में भी आप खड़ा कर देंगे कि दादा मेरा ये काम करो, करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने आपको दी है। मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप आने वाला 5 तारीख को, 5 दिसंबर को आप पद्म फूल में अपना बहुमूल्य वोट दे करके 2024 के लिए हमारा रास्ता खोलेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ। आप सब एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के आज ये संकल्प ले कि हमारे साथ हम और 5 लोगों को, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने साथ जो रहते हैं, उन 5 लोगों को वोटिंग के दिन अपने साथ लेके मतदान कराने के लिए पद्म फूल छाप में मतदान कराएंगे। ये संकल्प लेके जाएंगे। आप सब एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के जयकारा करिए, बोलो भारत माता की, भारत माता की, पद्म फूलो जिंदाबाद, पद्म फूलो जिंदाबाद।